चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बीते शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्में रिलीज की गई। 1991 काला कांडी और मुक्केबाज एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। माना जा रहा था कि तीनों में से काला कांडी और मुक्केबाज क्रिसमस के समय से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सलमान खान की जिंदा को जबरदस्त टक्कर दे सकती है। हालांकि 6 दिन के बाद भी स्थिति कुछ और ही अलग लग रही है। जहां काला कांडी और हुक्काबाजी प्रतिदिन 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने में मशक्कत कर रही है, वहीं जरीन खान की फिल्म 1921 बॉक्स ऑफिस पे न केवल जबरदस्त कमाई की है जबकि टाइगर जिंदा है को भी धूल चटा दिया है। जरीन खान की 1921 ने अब तक 10 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। डायरेक्टर विक्रम भट्ट की इस फिल्म ने अपने 6ठे दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 1.5 करोड़ की कमाई की है, जिसको मिलाकर फिल्म ने अब तक 11 करोड़ की कमाई पूरा कर लिया है। फिल्म में जरीन खान और करण कुंद्रा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं टाइगर जिंदा है की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने चौथे वीक में 350 करोड़ का कलेक्शन पूरा कर लिया है। सलमान और कटरीना कैफ की यह फिल्म 2017 के क्रिसमस में ताबड़तोड़ कमाई करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अगर आप दोनों फिल्मों के आंकड़े देखें तो साफ पता चलता है कि 1921 ने टाइगर जिंदा है को ज्यादा कमाई की है। लेकिन हम बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि भाईजान की फिल्म काफी लंबे समय से सिनेमाघरों में लगी हुई है। जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 महीने से चल रही है और प्रतिदिन 1 करोड़ की कमाई कर रही है, वो काबिले तारीफ है।